हेलो दोस्तों, मैं सुभाषी साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। और आज भी लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम जो कल लिनोवो ने Z5S यहाँ पे चाइनीज मार्केट में लॉन्च किया था, उसके साथ ही उन्होंने Z5 Pro GT नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था मार्केट में। तो हम उसी फोन का रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर मेन हाईलाइट्स की इस स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। हालांकि आपको इसमें 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। एंड्रॉइड 9.0 पाई ओएस आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाले डिजाइन यहां पे देखने को मिल जाता है। और 12GB तक रैम आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, 12GB तक बड़ी रैम आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, जो लिनोवो ने शायद यहां पे सारे फोन्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में और ज्यादा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस फोन के फीचर्स के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर घूमते फिरते किसी भी तरह से आप हमारे चैनल पर पहली बार पहुंच गए हैं तो आप चैनल को जो नीचे लाल लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस फोन के थोपड़े से। तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाती है। कोई भी प्रकार का नोच आपको यहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन स्लाइड मैकेनिज्म डिजाइन आपको यहां पे देखने को इस फोन में मिल जाती है। पीछे से इसको यू खिसकाना होगा और ऊपर वाला कैमरा बाहर आ जाएगा। डिस्प्ले के अंदर आपको यहां पे किसी भी प्रकार का कोई कैमरा यहां पे आपको देखने को नहीं मिला है। साथ ही दोस्तों आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन यहां पे दी गई है। काफी अच्छी और काफी पावरफुल प्रोटेक्शन आपको यहां पे दी गई है, मतलब आपका स्मार्टफोन एकदम स्क्रैच प्रूफ होने वाला है डिस्प्ले की ओर से। तो ये आपको यहां पे बहुत अच्छी बात मिल जाती है लिनोवो के इसी Z5 Pro GT में। दोस्तों लिनोवो Z5 Pro GT के यहाँ पे आपको 2-3-4 वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो रैम और स्टोरेज बेस वेरिएंट होंगे, जैसे 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात करें इसके बैक पैनल की, तो बैक पैनल में आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 वेरिएंट यहाँ पर है, चारों में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर होगा रियर साइड में वो आपको 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, सोनी का IMX519 वाला सेंसर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और जो सेकेंडरी सेंसर आपको रियर साइड में मिलने वाला है वो यहाँ पे आपको 24 मेगापिक्सल का एक बड़ा सेंसर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब लिनोवो ने इम्प्रूव किया है अपने स्मार्टफोन में कैमरे की ओर से। और मेरे को यूँ लगता है कि यहाँ पे लिनोवो ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है कैमरा और सेल्फी के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बैक पैनल में LED फ्लैश लाइट के अलावा और लिनोवो की ब्रांडिंग के अलावा आपको यहां पे और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लिनोवो के इसी फोन में लिनोवो की तरफ से मिल जाता है। अगर दोस्तों बात करें इसके फ्रंट पैनल की, तो फ्रंट पैनल में आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो मिल ही रही है, कोई नोच आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्लाइडिंग मैकेनिज्म के अंदर जो आपको कैमरा मिलेगा वो यहां पे सेल्फी के लिए भी आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा सेटअप आपको यहां पे मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का ड्यूअल सेल्फी कैमरा सेटअप आपको यहां पे मिल रहे हैं, जिनको आप सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए काम में ले सकते हो। मतलब यार, सेल्फी वालों की तो यहां पे बल्ले बल्ले हो गई है। और ये जो अभी लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जो यूं यूं कुछ अपने थोपड़े को बिगाड़ करके वो सेल्फी लेते हैं, तो उनके लिए ये काफी अच्छा फोन होने वाला है लिनोवो की तरफ से। इसे चाइनीज मार्केट में कल लॉन्च कर दिया गया है 18 दिसंबर को। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4G LTE ड्यूअल सिम सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, मतलब दोनों सिम आप 4G के साथ में चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं कि इसमें 4G LTE ऑन कर दिया तो दूसरी वाली यहाँ पे अपने आप GSM और CDMA मोड पे आ गई, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आपको ड्यूअल 4G वोल्ट सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है और GPS आपको यहाँ पे मिल जाता है, वाईफाई आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आपको माइक्रो USB पोर्ट C टाइप आपको यहाँ पे मिल जाता है चार्जिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको माइक्रो USB टाइप सी मिल जाता है। माइक्रो USB टाइप जो होता है, USB पोर्ट जो होता है, उसमें आपको क्या होता है कि यार वो एक ही साइड से उसको घुसाना होता है अंदर,
अब यूँ मान लो कि आप अगर उसको उल्टा डाल देते हो कभी भूल भरोसे में, तो दिक्कत ये होती है कि अंदर से कोई हार्डवेयर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ से ज़ोर से प्रेस करते हो और वहाँ पे कुछ भी टूट सकता है अगर उसको उल्टा प्रेस करते हो आप तो। और USB टाइप सी में आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि आप ऐसे ऐसे किसी भी तरह से उसको अंदर घुसा दो, वो आराम से उसके अंदर घुस जाएगा और किसी भी प्रकार की हार्डवेयर प्रॉब्लम वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे Lenovo की इसी Z5 Pro GT स्मार्टफोन के अंदर। दोस्तों बात करें यहाँ पर बैटरी लाइफ की, तो फोन में जान फूंकने के लिए यहाँ पर 3350 mAh की बैटरी लाइफ दी गई है। थोड़ी सी कम है बिल्कुल, लेकिन ठीक है, इसके प्राइस में आपको आगे बताऊंगा। प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी ठीक है, 3350 mAh की बैटरी Lenovo की तरफ से आप यहाँ पे दी गई है इस Lenovo के इसी फोन Lenovo Z5 Pro GT में। अब दोस्तों चाइनीज मार्केट में Lenovo ने यहाँ पर अपने 4 रैम बेस और स्टोरेज बेस वेरिएंट लॉन्च किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 GB रैम और 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाला सबसे जो लोअर वर्जन है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। उसके बाद में 8 GB रैम और 128 GB वाला दो नंबर का जो यहाँ पे वेरिएंट लॉन्च किया गया है। तीन नंबर का वेरिएंट यहाँ पे 8 GB रैम और 256 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चौथा वेरिएंट यहाँ पे आपको 12 GB, यानी कि यार मेरे हिसाब से शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं स्मार्टफोन की दुनिया के, क्योंकि आज तक शायद किसी स्मार्टफोन में 12 GB की रैम आपको देखने को नहीं मिली है। यूँ लगता था कि यार बहुत दिनों बाद में आपको 12 GB की रैम मिलेगी, लेकिन ये Lenovo ने कुछ अच्छा कर दिया है। यहाँ पे 12 GB की रैम आपको यहाँ पे देखने को मिली है। मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यार यहाँ पर कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया है Lenovo ने। तो आपको 12 GB की रैम के साथ में 256 GB का स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें इनके प्राइस की, तो 6 GB और 128 GB का जो वेरिएंट है उसकी कीमत आपको अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 27,700 रुपये के आसपास में इसको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा 8 GB और 128 GB वाला जो वर्जन है उसकी कीमत यहाँ इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 30,300 रुपये के आसपास में आपको इसकी कीमत देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यूँ मान लो कि लगभग 31,000 रुपये में आपको 8 GB रैम दे रहे हैं, 128 GB स्टोरेज दे रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी यार। इंडियन मार्केट में भी अगर इसे इसी प्राइस के साथ में लॉन्च किया जाता है तो ये इंडियन मार्केट में मतलब Lenovo का ये Z5 Pro जो GT है वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 8 GB और 256 GB का जो वेरियंट है उसकी कीमत यहाँ पर कुछ 41,100 रुपये के आसपास में है। और जो 12 GB रैम और 256 GB वाला स्टोरेज वेरियंट जो यहाँ पर है उसकी कीमत लगभग 45,000 रुपये, मतलब आपको 45,000 रुपये में Lenovo की तरफ से यहां 12 GB रैम और 256 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया जा रहा है, वो भी स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल रहा है जो फिलहाल लॉन्च हुआ है। और दुनिया का पहला स्मार्टफोन ये बन गया है Lenovo का Z5 Pro GT जो मतलब इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो काफ़ी छोटा सा आता है यार, मतलब 7 nm 7 nm कितना सा होता है उतना सा ये सॉफ्टवेयर आता है, सॉरी ये प्रोसेसर आता है। तो ये बहुत अच्छा चिपसेट आपको यहाँ पे Lenovo की तरफ से देखने को मिल जाता है। ये जो बड़े बड़े वादे कर रही थी और कंपनियाँ, ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, कि 855 वाला सबसे पहला फ़ोन दुनिया का हम लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे सारों को रिकॉर्ड ध्वस्त करके Lenovo ने यहाँ पे बाजी मार ली है। दुनिया का सबसे पहला फ़ोन जिसमें होगा स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर यहाँ पे Lenovo ने लॉन्च कर दिया है। नाम है उसका Lenovo Z5 Pro GT। तो दोस्तों चाइनीज मार्केट में इसकी प्री बुकिंग 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो पहली सेल है मतलब ये आपको बिक्री के लिए यहाँ उपलब्ध मिलेगा चाइनीज मार्केट में, तो आपको यहाँ 24 जनवरी से ये उपलब्ध होने वाला है, इससे पहले आपको ये नहीं मिलेगा। शायद यार ये एक ही फ़ोन बना के यहाँ पर लॉन्च किया गया है इनकी तरफ से। और अब यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स, मतलब इनका कहना है कि आपको किसी भी प्रकार का आउट ऑफ स्टॉक वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूनिट्स ये शायद बनाने वाले हैं और आपको 24 जनवरी से ये फ़ोन परचेज करने के लिए अवेलेबल मिल जाएगा। वैसे यार दोस्तों Lenovo ने यहाँ पर बहुत कुछ कर दिखाया है, 45,000 रुपये में आपको 12 GB रैम और 256 GB वाला स्टोरेज, 855 स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर, 3300 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी, 0 bezels वाली डिस्प्ले, स्लाइड मैकेनिज्म डिज़ाइन, बहुत कुछ यहाँ पे, मतलब सेल्फी सेंट्रिक फोन, रियर कैमरा भी बहुत अच्छे हैं इसके, कुछ सब कुछ यहाँ पे Lenovo ने कर दिखाया है। और ये शायद यार मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन में होने वाला है, और मेरे हिसाब से तो मेरे को यूँ लगता है कि यहाँ मार्केट में इस कंपटीशन का कोई फ़ोन है ही नहीं, क्योंकि अगर है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। और Lenovo ने यहाँ 27,000 रुपये में तो आपको 6 GB और 128 GB स्टोरेज वाला यहाँ पे वेरिएंट आपको दे दिया है 27,000 रुपये में। अगर इंडियन मार्केट में भी ये इसे इसी प्राइस के साथ में लेके आते हैं तो भाई साहब तबाही मचा देगा स्मार्टफोन की दुनिया में ये Lenovo का Z5 Pro GT।
तो देखते हैं कि इंडियन मार्केट में इसे कितना क्या जल्दी और किस प्रकार से कैसे कैसे लॉन्च करती है लिनोवो। तो ये तो हमें कुछ ही समय बाद में पता चलेगा जब ये इसको लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में। तो सबसे पहले आपको इसी चैनल टेक्निकल खजाना पर आपको इसकी न्यूज़ और रिव्यू इसका देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मेरे ओपिनियन के अनुसार तो फ़ोन काफ़ी कूल है, काफ़ी मतलब इसको यूँ भी नहीं बोल सकते कि यार फ्लेक्सी फ़ोन है, क्योंकि इतनी सारे फीचर्स, इतनी सारे हार्डवेयर्स आपको इसमें लेटेस्ट जो ये दे रहा है, उसकी कीमत अगर एप्पल वगैरह में होती तो लगभग आपको यहाँ पे यार 1.5-2 लाख के पार लेके जाती, लेकिन आपको यहाँ पे 27,000 रुपये में सबसे लोअर वेरिएंट इसका मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, फ़ोन मतलब काफ़ी मस्त वाला फ़ोन है, काफ़ी सुंदर फ़ोन है। अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो चाइना में अगर आप रहते हो तो 24 जनवरी से आपको मिल जाएगा, लेकिन इंडियन मार्केट में इसका वेट करना होगा अभी, क्योंकि इंडियन मार्केट में इसको अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है। वैसे दोस्तों आपके एक्सप्रेशन इस फोन के बारे में क्या है, ये सारा रिव्यू जानने के बाद में मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रिव्यू के साथ में, किसी नई अनबॉक्सिंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।